Now let us see the total number of signals, that how many signals will arise in case of NMR spectrum. The total number of signals in NMR spectrum tells about the set of equivalent protons in the molecules. किसी molecule में जो set of equivalent protons होते हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं जिनके चारों तरफ का environment जो है वो लगभग same हो तो उनके बारे में जो NMR स्पेक्ट्रम है वो इजीली बता देता है. NMR स्पेक्ट्रम में टोटल नंबर ऑफ सिग्नल डिपेंड करते हैं जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर, और उस सिग्नल का जो पीक एरिया होगा वो बता देगा कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन्वॉल्व हैं जो सेम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर वो कितने कितनी मात्रा में है, एक है, दो है, तीन है, चार है या पांच है. जैसे कि ये हम और आसानी से समझ सकते हैं कि नॉर्मली होता यह है कि जो भी केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो एनएमआर के केस में मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की तरह बिहेव करते हैं. तो जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है वही केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है. तो इससे हमें मॉलिक्यूल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ केसेस ले लें, जैसे इस केस में यहाँ पर सिक्स प्रोटॉन्स हैं, लेकिन इस ये थ्री प्रोटॉन्स और इन थ्री प्रोटॉन्स, इन दोनों का अगर हम इन्वायरमेंट देखें तो वो सेम है. तो इस केस में ये भी ए टाइप होगा और ये भी ए टाइप, तो यहां पर केवल एक पीक बनेगा और उस पीक का जो एरिया होगा वो इतना होगा कि वो सिक्स प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट हो. यहां अगर हम देखें यहां पर इसका इस प्रोटॉन का जो एनवायरनमेंट है वही इस प्रोटॉन का है, वही इस प्रोटॉन का एनवायरनमेंट है और यही इस प्रोटॉन का एनवायरनमेंट. तो इस केस में भी केवल वन पीक बनेगा और इस वन पीक का जो टोटल एरिया होगा वो एट प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट होगा. यहाँ इस केस में अगर हम देखें तो ये इसका जो एनवायरनमेंट है इस प्रोटॉन का, वही एनवायरनमेंट इस प्रोटॉन का भी है. तो यहाँ पर भी एक पीक बनेगा, वन पीक, और इसका जो एरिया होगा वो इक्विवेलेंट होगा फोर प्रोटॉन्स के. यहाँ कुछ दूसरे केसेस ले लें, यहाँ CH3CH2Cl में ये जो प्रोटॉन है CH2 ये अलग टाइप का होगा और ये जो प्रोटॉन है CH3 ये अलग टाइप का होगा. तो इसमें दो पीक्स बनेंगे, दो सिग्नल्स होंगे और उन सिग्नल्स का जो एरिया होगा, एक सिग्नल का एरिया थ्री प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होगा और दूसरे सिग्नल का टू प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट होगा. यहां पर तीन सिग्नल्स बनेंगे, एनएमआर सिग्नल्स ए ए बी, और ये भी इस CH3 का भी एनवायरनमेंट वही है जो इस वाले CH3 का है. इन इन इस केस में दो पीक्स बनेंगे जिसमें ए पीक सिक्स प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट होगा और बी पीक वन प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होगा. इसे अगर हम देखें तो यहाँ ये जो एरियाज हैं CH2, ये CH वाले ए ए और ए, ये एक तरह के प्रोटॉन होंगे और ये जो हैं ये बी टाइप के प्रोटॉन होंगे CH3 वाले. तो ए जो सिग्नल होगा वो थ्री प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट होगा और बी सिग्नल नाइन प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट होगा. तो एनएमआर के सिग्नल से हम जानकारी ले सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कितने हैं और वो कितनी मात्रा में है किसी भी मॉलिक्यूल में जिस मॉलिक्यूल की स्टडी की जा रही है.
एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये देखा गया है कि जो भी सिग्नल्स एराइज होते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम में, वो सिग्नल्स रिप्रेजेंट करते हैं केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो मॉलिक्यूल्स में अवेलेबल रहते हैं. लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि सिंगल पीक्स एनएमआर स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व नहीं होते हैं. ये जो पीक्स होते हैं वो स्प्लिट करते हैं, और ये जो स्प्लिटिंग है ये डिपेंड करती है कि उस जिस प्रोटॉन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अगल बगल कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं. तो ये जो स्प्लिटिंग होगी ये डिपेंड करती है नेबरिंग प्रोटॉन्स पे, और स्प्लिटिंग कितनी होती है, स्प्लिटिंग विल बी एन प्लस वन, और एन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं. अगर एक इक्विवेलेंट प्रोटॉन के दोनों तरफ प्रोटॉन्स, अगर डिफरेंट एनवायरनमेंट वाले प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं, उस केस में जो स्प्लिटिंग होगी वो होगी एन प्लस वन इंटू एम प्लस वन. यहाँ पर m और n वो नेबरिंग प्रोटॉन्स के नंबर हैं जो आइदर साइड में हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, ये CH3, CH2, OH, यहाँ तीन अलग अलग तरह के प्रोटॉन्स हैं A, B और C. इस सी प्रोटॉन को अगर हम देखें तो इसके जो बगल में प्रोटॉन होगा वो कितने हैं, दो प्रोटॉन्स हैं. तो यहाँ पर एन प्लस वन, टू प्लस वन, थ्री, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी थ्री. यहाँ है इस बी वाले प्रोटॉन को अगर हम देखें, यहाँ इसके एक साइड में है थ्री प्रोटॉन्स और एक साइड में वन, तो थ्री प्लस वन फोर, और वन प्लस वन टू, फोर इंटू टू एट. तो ये एट पीक्स में टूटेगा. और यहाँ ये जो CH3 है, ए प्रोटॉन, ए टाइप ऑफ प्रोटॉन, इसके बगल में CH2 ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका नेबरिंग प्रोटॉन. तो यहाँ इस पर नंबर है टू प्रोटॉन का, तो इस केस में जो स्प्लिटिंग होगी वो हो जाएगी टू प्लस वन, थ्री. इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी NMR स्पेक्ट्रम जो स्प्लिट करेगा वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के रहने पर कितने नंबर में स्प्लिट करेगा पीक्स.